और अब पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्धवा शुभम नव निर्वाचितस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम मंगलम मंगलम। आज मध्य प्रदेश की इस धरती पर नई सरकार के इस आरंभ का हल्दी चंदन मंगलकारी हो, हम यही आशा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। मैं शिल्पा भावना एक बार पुनः आप सभी को करबद्ध रूप में प्रणाम करती हूं एवं आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आपका अभिनंदन करती हूं। और अब मैं शपथ ग्रहण की आगामी कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्रीमती वीरा राणा को मंच हस्तांतरित करती हूं। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजन शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अब पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान। धन्यवाद महोदय। उपस्थित सभी गणों ने, आप सभी आगंतुकों ने जो अपना स्नेह और प्रीत हम पर बरसाया है, उसके लिए हम अनुग्रहित हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।